ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। डूंगरपुर में गदर जारी है, नौकरी की चाहत में आंदोलन बड़ा भारी है, लेकिन सिस्टम से लड़ने की ये कैसी तैयारी है? ये मांग नहीं महामारी। शिक्षक बनने का सपना संजोए, डूंगरपुर में युवाओं ने हर शिक्षा को दरकिनार कर दी, हदें पार कर दी और मर्यादा तार तार कर दी। चार निजी बसों समेत 25 से ज्यादा आग के हवाले कर दी। तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी, इन उपद्रवियों ने क्या कुछ नहीं किया? सवाल तो ये है कि अगर इनको टीचर बना भी दिया तो ये बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, सिखाएंगे क्या? क्योंकि ये तो शिक्षक बनने की पहली शर्त पर नाकाम हो गए हैं। सरकारी नौकरी की चाह में इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि मरने मारने पर उतारू। विरोध के इस तरीके को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। ऐसे में उठता है सवाल कि कब और कैसे खत्म होगा ये बवाल। कब तक जारी रहेगा उपद्रवियों पर करम? पत्थरबाजों पर सिस्टम कब तक रहेगा नरम? कब बुझेगी डूंगरपुर की आग? कब खत्म होगा ये विवाद? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे शिक्षक संवारेंगे कल के छात्रों का भविष्य? बिग फाइट में बहस आज जिसे हैं मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी, बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक राजकुमार रौत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राजकुमार रौत जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल भी जब ये बवाल शुरू हुआ था जयपुर में आपकी मौजूदगी थी, आज वार्ता भी मुख्यमंत्री के साथ हुई है, कैसी रही ये वार्ता? क्या सफल माने, क्या कोई बात बनी इस वार्ता के दौरान? राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन जी भी हमारे साथ है। जैन साहब, एक अहम सवाल है, कई बार हमने देखा है कि नाराजगी होती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली। अब इस तरह से कोई जिद में आकर इतनी तोड़फोड़ और इतनी हिंसात्मक चीजें करके और ये बोले कि हमें सरकारी नौकरी, ये जो पद है हमें मिलने चाहिए, कितना गलत है? क्या कहता है कानून, क्या होना चाहिए आपकी नजर? देखिए, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भारत का संविधान शांतिपूर्वक विरोध करने की अनुमति देता है, परंतु इसका एक दूसरा भी पहलू है जी। ये सारे लोग 17 दिन से धरना लगाए हुए बैठे थे। 17 दिन तक न तो प्रशासन ने सुनी, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि मीडिया में भी कहीं कहीं ये जिक्र तक नहीं आया था कि कुछ लोग अपनी एक मांग को लेकर इस तरीके से बैठे हुए। 24 तारीख को उनको बातचीत के लिए समय दिया गया और अचानक वो वार्ता निरस्त कर दी गई। अब आज आग लगी, जनता का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वार्ता के लिए बुला लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ जो हुआ है, इसके लिए जो करने वाले जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने लाभ के लिए पूरे एक प्रदेश को आपने रैंसम पर रख लिया, पूरे लोगों को वहां से परेशान करके रख लिया, और अपेरेंटली आपकी बात भी इतनी सही नहीं लगती। चलिए, बात सही है या गलत है ये बात की बात है, पर किसी को ये छूट नहीं है कि वो पूरे राज्य को, कानून को अपने हाथ में रख के बैठ जाए, परंतु इसके साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि प्रजातंत्र में जो लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, शांतिपूर्वक से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, समय पर उनकी बात को सुना जाए, आग लगने का या विद्रोह होने की व्यवस्था नहीं। जैन सर, बिल्कुल ये, और यही वजह है कि इतने दिन तक चलता रहा इनका धरना, किसी ने सुनी नहीं, और जब ये हिंसक हुआ तब सबकी नजरें गई इस पर। राजकुमार रौत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजकुमार जी, कल भी बातचीत हुई थी आपसे, उस वक्त आप जयपुर पहुंचे थे, वार्ता होनी थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डूंगरपुर की बात करें कि वहां पर हिंसा भड़क चुकी थी, आज वार्ता हुई है, क्या आश्वासन मिला है, क्या बात बनी है इस वार्ता में? आज जो वार्ता हुई है उसमें विशेष बात यह हुई है कि सीएम साहब की तरफ से कि
पूरे उदयपुर संभाग में जो स्थिति बनी हुई है उसको कैसे भी करके सबसे पहले तो उसको शांत किया जाए। अब जो ये सिचुएशन ऐसी बनी है कि सरकार ने क्या है कि लंबे समय से कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की कोई जो आज तक उस कमेटी का कोई डिसीजन नहीं आया। और रही बात 24 तारीख को जो मीटिंग रखी थी, मैं खुद मानता हूँ इस चीज का कि 24 तारीख को मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग को निष्कासित कर मतलब निरस्त कर दिया गया और इसमें कोई कारण नहीं बताया गया। उसमें ये भी नहीं कहा गया कि अगली डेट कौन सी तारीख को इसकी मीटिंग रख लेंगे। तो इसकी वजह से लोगों को लगा कि ये सरकार और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि जा रहे हैं हमारी बात पहुंचा नहीं रहे हैं और सरकारें हमारी बात मानने को लिए तैयार नहीं है। इस बात को लेकर सारे सामाजिक संगठन थे, सभी संगठन से जुड़े हुए लोग आए हुए थे और जो रिट पिटिशनर थे आक्रोशित हो गए। पुलिस प्रशासन और रिट पिटिशनर के बीच में थोड़ा मुठभेड़ हो गया, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दी और जो लोग थे उन्होंने भी पत्थरबाजी कर दी, मामला थोड़ा कुछ आगे बढ़ गया है। लेकिन राजकुमार जी, कल भी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा कि 7 बजे मुलाकात का वक्त है, इससे पहले जो वक्त दिया गया था वार्ता के लिए, लेकिन उससे पहले वहां पर हिंसा भड़क गई। आपसे जब बातचीत हुई थी आपने कहा था कि वहां उन तक मैसेज कन्वे किया गया कि अभी मीटिंग होनी है, बातचीत होना है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। कौन वहां पर संभाल रहा है, किससे बात की जाए, क्योंकि इतने सारे चेहरे हैं, एक भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, कोई बात करने के लिए सामने नहीं है। अगर कुछ कोई बात करने की कोशिश पुलिस कर भी रही थी, पथराव ही कर रहे हैं, कोई तो होगा वहां पर संभालने, सुनने वाला, समझने वाला। अभी जो स्थिति बनी जी बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति हुई है कि हम सारे लोग और एक डेलीगेशन भी हम 23 तारीख को जयपुर बुला लिया थे क्योंकि 24 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। तो हम सारे जिम्मेदार लोग भी हम जयपुर आ चुके थे, तो वहां पर कोई इसको हैंडल कर पाया ऐसा कोई लोग नहीं था। और हम जयपुर पहुंचने के बाद हमें सूचना मिली कि मीटिंग निरस्त कर दी गई और मीटिंग निरस्त का जो लेटर था सभी जगह वायरल हुआ पूरे उदयपुर संभाग में। इसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हुए 24 को और पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच में मुठभेड़ हो गई और अचानक ये माहौल बन गया है। आज वहां ये स्थिति बनी हुई, कोई लीडर नहीं है, उस जो आंदोलन है उसका कोई लीडर नहीं हुआ। अब हम कल रात को एक डेलीगेशन तैयार करके सरकार और जो अभ्यर्थी है उनके बीच में वार्ता के लिए हमने एक डेलीगेशन बना के तैयार करके भेजा था और अभी वार्तालाप चल रही है और अभी मामला शांत हो जाएगा। लेकिन क्या वहां पर तो स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि रह रहे के कभी पथराव होने लगता है, इतनी ज्यादा भीड़ है, पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है, वाहनों को जला दिया जाता है, ये कैसे शिक्षक बनने की राह तक रहे ये लोग? और इस तरह की घटनाओं के बाद आपको लगता है कि इन्हें शिक्षक बनाया जाना चाहिए? ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा राजकुमार जी। देखो इसमें बिल्कुल मैं ईमानदारी से जवाब दूंगा, ये जो भर्ती है अप्रैल 2018 की भर्ती है और नवंबर 2019 से ये लोग, एक डेलीगेशन तैयार हुआ था और सरकार से वार्ता हुई थी नवंबर 19 में, ये लोग कलेक्ट्री के आगे 21 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद ये चीज ये जनवरी में भी काकरी डूंगरी पर चढ़े थे, 11 दिन चढ़े थे, सरकार ने एक डेलीगेशन तैयार करके सरकार से वार्ता की, कमेटी गठित की, लेकिन उस कमेटी का कोई निचोड़ नहीं निकला आज तक। 1.5 साल हो गया लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई क्लियर जवाब नहीं हुआ। और ये जो है अधिसूचना 2016 की जो जारी हुई, उस अधिसूचना के आधार पर भर्ती होनी है, लेकिन उस अधिसूचना के आधार पर भर्ती नहीं हुई और जो ST के पात्र अभ्यर्थी थे, अब ओपन कैटेगरी जो सीटें थी उस सीटों पे नहीं लिया गया, इसमें ये मामला बिगड़ा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये जो मामला हुआ इसमें अभ्यर्थियों का कहीं रोल नहीं है। जो सहयोग के लिए आए हैं आसपास के अभ्यर्थियों के साथ जो लाठीचार्ज, जो अभ्यर्थियों ने 1.5 साल तक उनका संयम रखा, 1.5 साल तक संघर्ष किया, आप मान सकते हो जनवरी का महीना कड़ाके की सर्दी पड़ती है डूंगरपुर में, उस सर्दी में भी महिला और पुरुष उस पहाड़ी पर डटे रहे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था 21 दिन और 11 दिन पहाड़ी पे। लेकिन 1.5 महीना तक ये धरना, ठीक है राजकुमार जी, सरकार की तरफ से इसको व्यवस्थित, चलिए ठीक है, आपने कहा 1.5 साल से संघर्ष इनका चल रहा था, तो वहां से जो प्रतिनिधि है, विधायक हैं जैसे आप हैं वहां से, क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज उठाई, क्यों नहीं सरकार के सामने ये बात रखी? 18 दिन से इनका धरना जारी था, तब तक शांतिपूर्ण सब चल रहा था, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया? हमने सरकार बिल्कुल हम खुद मानते हैं इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, और मैं यह भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं मीडिया भी इस बात को व्यवस्थित नहीं पहुंचा पाया और हम लोग भी उस इलाके से जो जनप्रतिनिधि आए हैं वो लोग भी इस बात को व्यवस्थित नहीं पहुंचा पाए। तो अब क्या है, अब आगे का रास्ता क्या है राजकुमार जी, अब आगे का रास्ता क्या है, कैसे पूरी तरह से इन्हें शांत करेंगे, कैसे समझाएंगे? आगे का यही है कि आज बातचीत हो गई है, इसमें बिल्कुल बिल्कुल सीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसके लिए हम इसका कुछ नहीं, या तो पद बढ़ाएंगे या फिर उन लोगों को ये जो सीटें उनसे भरी जाएंगे, SLP दायर करेंगे, कुछ न कुछ सीएम साहब ने आश्वस्त किया हमको इस चीज का करा देंगे और
सरकार, अगर हमने जो सरकार को समर्थन दिया है कहीं न कहीं हम उन मुद्दों के आधार पे दिया, हमारा मुद्दा वही था और सरकार हमें भरोसा है कि करेगी। अगर सरकार इसमें अगर अन्याय करती है अन्य बच्चों के साथ तो हमें भी सोचना पड़ेगा। इस संबंध में सोचना पड़ेगा कैसे, अगर अन्याय तो देखिए सरकार करना नहीं चाहेगी। डेढ़ साल इस मामले में कुछ हुआ नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं राजकुमार जी, डेढ़ साल कुछ हुआ नहीं आप ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार अन्याय नहीं करेगी। लेकिन अभी शांत कैसे करेंगे इन लोगों को, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में प्रक्रिया में वक्त तो लगेगा, आज के आज तो भर्तियां हो नहीं जाएंगी। पेशेंस कैसे रखेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे कि थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा वक्त दीजिए, सरकार इस पर सोच रही है, प्रक्रिया में वक्त लगता है और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन इस तरह से हिंसक होने से तो कुछ नहीं होगा। राजकुमार बिल्कुल आ रही आवाज। चलिए रवि का रुख कर लेते हैं, उदयपुर से हमारे संवाददाता लगातार वहां से अपडेट भी दे रहे थे। रवि, अभी फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि कहना है कि आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से मिलेगा, कोई रास्ता निकाला जाएगा, ये राजकुमार राव जी कह रहे हैं, लेकिन क्या मामला वहां पर अभी शांत है या अभी भी मौजूदगी अभ्यर्थियों की है? बिल्कुल देखिए श्वेता, ये जी बिल्कुल देखिए श्वेता, जो अभ्यर्थी हैं जो कि आज पूरे दिन भर में जिन्होंने काफी उपद्रव किया, काफी अराजकता फैलाई, वो तमाम लोग जो हैं वापस उसी स्थान पर जहां पर पिछले 18 दिनों से उनका महापड़ाव चल रहा था, कांकरी डूंगरी जो जगह है वहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस का जो जाप्ता है वो बीच में जो मोतली जो रोड है, मोड़ जो है मोतली मोड़, वहां पर तैनात है और वही स्थिति जो कि कल देर रात को वहां पर थी वही स्थिति अब वहां पर हो गई है। और देखना ये होगा कि कल वापस से किस अंदाज में दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि आज जिस तरीके से जो है इस दिन की शुरुआत हुई काफी उपद्रव से भरा था, अराजकता से भरा था, दर्जनों जो वाहन है उनको आग के हवाले किया गया, खेरवाड़ा कस्बे में जमकर लूटपाट की गई, होटल में लूटपाट की गई, एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की गई और कई सारे जो वाहन हैं सामानों से भरे हुए, जो कुछ हुआ उसे भूला भी नहीं जा सकता रवि, उसे भूला भी नहीं जा सकता। और ऐसी तस्वीर थी जिसके बाद लोग यही सोच रहे हैं कि क्या वाकई में अभ्यर्थी शिक्षक पद के लिए थे जिन्होंने इतना ज्यादा बवाल काटा है। लेकिन रवि एक लाइन में जरा जवाब दे दीजिए, क्या अभ्यर्थी सबके सब वहां पर मौजूद हैं, भले ही अभी शांत हो चुके लेकिन मौजूदगी है या चले गए हैं या फिर कल सुबह सूरज उगने के साथ कुछ और तस्वीर होगी? जी देखिए, ये बिल्कुल सही है कि आज जो अराजकता का माहौल था इसको कतई नहीं भूला जा सकता। पूरी तरीके से जो लोग हैं वो भारी तादाद में थे, अराजक थे, निरंकुश थे। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिर कल किस, आज जब मुख्यमंत्री के पास जब ये तमाम लोग हैं तो किस तरह से वार्ता में इस पूरे मसले का हल निकल पाता है। चलिए बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपेंद्र जी, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं आप और लगातार जब बेरोजगार युवाओं की बात होती है तो आवाज मीडिया भी उठाता है कि रोजगार मिलना चाहिए, बहुत संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद तो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ये शिक्षक बनने के लायक नहीं है, थोड़ा पेशेंस इनमें नहीं है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, एक तरफ विरोध बस होता तो समझ में आता, आप आगजनी कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, ट्रकों को लूट रहे हो, पेट्रोल पंप को लूट रहे हो, ये कौन लोग हैं? देखो श्वेता जी, कल और आज में जो डूंगरपुर में घटनाएं हुई वास्तव में खेदजनक है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का पेशेंस लंबे समय तक रह नहीं पाया। लेकिन इससे पहले 16 तारीख को भी काकर डूंगरी पे अभ्यर्थियों ने फांसी लगाकर अपने को जीवन को समाप्त करने की कोशिश की थी। यदि उस समय एक डेलीगेशन जयपुर आता और बात होती तो शायद कल और आज की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं संवाद की और डायलॉग की कमी रही है सरकार में और डेलीगेशन के मध्य। यदि यह डेलीगेशन समय पे होता और बातचीत होती तो जो नुकसान, लूटपाट, आगजनी और ये तमाम बातें हुई हैं, चाहे पुलिस पे पथराव हुआ हो, चाहे अभ्यर्थियों के साथ कोई नुकसान हुआ है, सब घटनाओं को रोका जा सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, लेकिन ये जो हुआ है उसके लिए भी तो कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा करेंगे अभ्यर्थी। एक बात बताइए जरा, आगजनी और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से क्या होगा, इन्हें बना दिया जाएगा, पुलिस पर हमला करने से क्या होगा, ये शिक्षक बन जाएंगे, इनकी भर्ती हो जाएगी? नहीं, जो अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं मैं तो ये कहूंगा कि वो गलत है। एक लोकतंत्र में अपनी बात एक सिस्टमेटिक तरीके से रखनी चाहिए। यदि विधि संगत कोई काम होता तो आपका हो जाता, फिर भी यदि सरकार आपके साथ सकारात्मक रुख रखती है तो इसमें सरकार का फैसला स्वागत है। लेकिन हर चीज़ एक नीतिगत के साथ साथ कानूनी रूप से भी उसको अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए। कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं नॉन TSP एरिया और TSP एरिया में कि वहाँ एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को न्यूनतम अंक लाना जरूरी होता है, ये वो खुद भी जानते हैं।
उन न्यूनतम अंकों के क्राइटेरिया में शायद वो नहीं आ रहे होंगे, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री जी तो इस समय खुद संवेदनशील हैं, वो खुद प्रयासरत रहते हैं कि भाई बार बार वेटिंग नहीं निकालनी पड़े, बार बार अभ्यर्थियों को रिफ्रेशमेंट नहीं निकालना पड़े, तीन गुना अभ्यर्थियों को खुद बुला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संवाद की कमी के कारण सब घटनाएं हुई हैं। ठीक है, आप मान रहे हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। राजेंद्र सिंह जी, क्या वाकई में संवाद की कमी ये वजह बनी, इनमें पेशेंस नहीं रह गया, और कैसे एक्सेप्ट करेगा ये समाज, ये राज्य भी, कि यही वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इतना ज्यादा उद्दंग बचाया, इतना उपद्रव किया, लूटपाट की, और ये सिर्फ इसलिए कि शिक्षक पद में इनकी भर्ती होनी चाहिए, ये इनकी जिद है जो कि सामान्य वर्ग की सीटें हैं। श्वेता जी, ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है, और ये घटना ये साबित करती है कि सरकार संवेदनहीन है। अगर ये सरकार संवेदनशील होती तो पहले 21 दिन धरना दिया था, उसके बाद 11 दिन धरना दिया, और कांकर डूंगरी में ये 17 दिन से धरना चल रहा था। बीच में जैसे 16 तारीख को बताया कि एक ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मैं समझता हूँ वो भी फेल हो गई है। इनको जो भी इनकी मांग थी, क्या जायज़ है या नाजायज़ है, सरकार को कम से कम संवाद कायम करना चाहिए था, इन लोगों को बुलाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए था, उसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में बताना चाहिए था, उसके कानूनी पेचीदगियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, इनसे संबंधित जो नेता लोग थे उनको विश्वास में लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ इस तरह की ये चलिए मान लेते सरकार की गलती थी, ध्यान इस ओर नहीं दिया गया, लेकिन विपक्ष के तौर पर भी तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई गई। क्या इस मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए था विपक्ष के तौर पर? राजेंद्र सिंह जी, वैसे तो आप लोग हर मुद्दे उठाते हैं, अगर इनके भविष्य और इनके गलत सरकार कर रही तो सरकार को तो आईना आप ही लोग दिखाते हैं ना, क्यों नहीं उठा लिया गया था? क्यों 18 दिन से बैठे थे? तो ना तो सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो विपक्ष ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं कुछ किया जी? नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने, जब इनकी सरकार ने कहा कि भाई हम 24 तारीख को इनकी मीटिंग कर रहे हैं तो विपक्ष इंतजार कर रहा था कि देखे आपस में कोई बातचीत हो के कोई फैसला हो जाए, परंतु मेरे को लगता है कि सरकार ने जो 24 तारीख की बैठक थी उसको अचानक से जो निरस्त किया, उससे ये जो बेरोजगार लोग थे इनका पेशेंस है वो खत्म हो गया। ठीक है, आप ये वजह मानते हैं इसलिए ये हिंसक हुए। चलिए, गिरिराज गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता है। गिरिराज जी, देखिए दो बातें हैं जो बार बार कही जा रही है। एक तो ये कही जा रही है कि वो मीटिंग कैंसिल हुई जो कल शाम को होनी थी और वो नहीं हुई, इस वजह से ये उग्र हो गए सभी जो युवा थे, जो अभ्यर्थी थे, जो इंतजार कर रहे थे कि इसमें कुछ फैसला होगा, और इसलिए इतनी ज्यादा हिंसा हुई। दूसरी बात ये कही जा रही है कि सरकार ने वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, जब 17-18 दिन से ये लगातार धरने पर बैठे हुए थे, पड़ाव डाला हुआ था, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ सरकार की लापरवाही बताई जा रही है। अब जरा आप अपनी बात रख दीजिए गिरिराज जी। देखिए, आपने जो कहा श्वेता जी और अभी राजेंद्र सिंह जी ने जो कहा जी कि सरकार संवेदनहीन है, तो आपने जो इनसे जवाब मांगा उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने कि विपक्ष की संवेदनशीलता जो है वो कहां दिखाई दे रही थी। उसी संभाग से नेता प्रतिपक्ष आते हैं और पिछले महीने विधानसभा का सत्र हुआ है, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सरकार जितनी संवेदनशीलता से राजस्थान में काम कर रही है शायद इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं चूक हुई है। ठीक है, किससे चूक हुई? आप मानते हैं कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, ये गलती थी? इस तरह से उपद्रव करना, इस तरह से नहीं, निश्चित रूप से प्रशासन ने जो है ना वो प्रशासन का आकलन गलत रहा, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस तरह से प्रजातंत्र के अंदर एक सामूहिक रूप से सरकारी संपत्ति को नुकसान करना, जनता की संपत्ति को नुकसान करना, लूटपाट करना, पेट्रोल पंप को लूटना, ये कतई जो है सभ्य समाज की, शिक्षक वर्ग की, ठीक है, दीपेंद्र जी से नहीं हो सकती। ठीक है, आज आप, ठीक है, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे दीपेंद्र जी। गिरिराज जी, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये राजस्थान के युवाओं की बात है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाओ, आगामी शायद 1 अक्टूबर को राजस्थान की युवा राजस्थान बेरोजगार दिवस मनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि 2 साल से लंबित शिक्षक भर्ती जो कि वेटेज के कारण और अन्य मुद्दों के कारण लंबित पड़ी है। डोटासरा जी हर बार मीटिंग करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको
युवा आपसे पहुंचाना चाहते हैं ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और आपके प्रतिनिधियों के माध्यम से, लेकिन वो बातें नहीं पहुंच पाती। शिक्षक भर्ती का नया जो पैटर्न हो तैयार होने वाला है, अगस्त के महीने में संभावित परीक्षा थी, कोरोना के कारण परीक्षा रद्द हो गई, अभी तो उसका पैटर्न तय नहीं हुआ। देखिए आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आप पर भी होंगे, सवाल आपका उठाना भी लाजमी है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का ये शिक्षकों का काम है, ये कैसे कोई इनका साथ देगा, किसी भी चीज में कैसे साथ दे देगा? एक पॉइंट बता दीजिए जहां ये सही है। नहीं, ये गलत है जो भी अभ्यर्थियों ने किया है। शायद मैं समझता हूँ कि सरकार की संवेदनशीलता ही है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु है कि उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कोई लाठीचार्ज नहीं करेगा, अगर आपको दो कदम पीछे हटना होगा तो आप चार कदम पीछे हटिए, नहीं तो पुलिस के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। संवेदनशीलता दिखाई गई लेकिन सख्ती नहीं बरती गई, तो क्या हुआ? पुलिसकर्मी इतने घायल हो गए क्योंकि उनको वो एक्शन ले नहीं सकते, इनका पथराव जारी रहा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी वहाँ उदयपुर संभाग के जो भी जिस भी पार्टी के नेता हैं, चाहे एमएलए जो, एमपी जो, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी जो नेता हैं, विधायकगण हैं, वो एक वो संरक्षक के रूप में वहाँ कार्य करे, वहाँ के युवाओं को समझाए और उनको कहे कि यदि विधि संगत आपकी कोई बात होगी तो हम सरकार के पास आपकी बात रखेंगे। यही तो हुआ नहीं जाएगा। ये करना तो चाहिए, करना ये भी चाहिए, बहुत सारी चीजें, लेकिन यही सब तो हुआ नहीं है। तो वो कोई ना बोलने वाला, ना समझाने वाला, ना वो किसी के सुनने वाले। सिस्टम की गलती हुई है, सिस्टम की गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा उसका, जिसकी गाड़ी जल गई, जिसका पेट्रोल पंप जला दिया गया, या किसी अधिकारी की चोट आई, या किसी विद्यार्थी की चोट आई है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण ये सब चीजें हुई हैं। इस कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी करें, अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी करें, ओएसडी की जिम्मेदारी तय करें और मंत्रियों की जिम्मेदारी करें, क्योंकि जो मामले लंबित पड़े हैं उनको सुलझाने की आवश्यकता है। ठीक है जैन सर, लेकिन एक बात है कि ये इनकी जिद है, इसमें भर्ती होनी चाहिए, कानूनन क्या ये जायज है? देखिए अपनी मांगे रखना अलग बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका आंदोलन और इनका कृत्य दोनों ही कानूनी रूप से सस्टेनेबल नहीं है। ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है, ट्राइबल ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर जिले का कुछ भाग और प्रतापगढ़ जिले का कुछ भाग ट्राइबल सब प्लान में घोषित किया हुआ ट्राइबल एरिया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप की योजनाएं बनाई जा सकती हैं और उन्हीं के अनुसार भर्ती भी की जा सकती है। यहाँ पर भर्ती के लिए नियम सरकार ने जो अधिसूचना 2016 में जारी की थी उसमें यह कहा था कि 45% सीटें उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के ट्राइबल लोगों के लिए, 5% शिक्षक सीटें उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और 50%, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, 50% उस क्षेत्र के अन्य सामान्य नागरिकों के लिए दिया जाएगा। इस मामले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी सामान्य वर्ग की भर्ती के बारे में, क्योंकि सामान्य वर्ग की भर्ती में आप क्षेत्र के आधार पर रोक नहीं लगाना है, ये इंट्रीम ऑर्डर सुप्रीम हाईकोर्ट ने पास किया था। उसके बाद इसके लिटिगेशन में चलता रहा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि हर क्लास का एक पर्टिकुलर लेवल आपको, क्योंकि आप टीचर भर्ती करने जा रहे हैं तो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको टीचर नहीं लगा सकते। तो एक मिनट सर, आप पूरी बात सुन रहे, तो एक उन्होंने कट ऑफ लाइन उसमें फिक्स की है। यहाँ हुआ क्या कि इस कानूनी पचड़े की वजह से जो उस क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें थी वो खाली रह गई, कट ऑफ लाइन की वजह से और अन्य कानूनी पेचीदगियों की वजह से जो अब तक चल रहा है। अब इनकी ये जिद है कि इन कट ऑफ लाइन में भी ये वहां तक नहीं पहुंच रहे, उस वर्ग के भी नहीं है, और वर्ग के भी होते तो भी अगर कट ऑफ लाइन ओपन भी मान लें तो भी कट ऑफ लाइन पर नहीं है, तो भी कह रहे हैं कि जो 36% जिसके पासिंग मार्क्स आए हैं जो एसटी के लिए, उनको भी वहां भर्ती कर दिया जाए। अब ये चीज सरकार, मान लीजिए सरकार बिना काम इसको लंबा कर रही थी, इतना बोल्ड डिसीजन होना चाहिए कि साफ कहते हैं कि हम कानूनी रूप से आपको नहीं दे सकते, आप चलिए हम आपके साथ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लड़ लेते हैं। पर एक गलत बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कर देना, अब मैं कह रहा हूं आज भी बहुत वार्ता हुई सर, हाईकोर्ट गवर्नमेंट क्या कर लेगी इसमें, गवर्नमेंट को छूटे इस तरीके की कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कट ऑफ लाइन कम कर देगी या इन पोस्ट को भर्ती कर देगी? अल्टीमेटली ये मामला न्यायालय में ही जाके तय होना है। तो फिर ये जो सब कुछ हुआ है ये न तो सरकार की तो लापरवाही है, मैं स्पष्ट कहूंगा लापरवाह का प्रशासन सिर्फ भ्रष्टाचार करने, वहां के एसपी को आप डीजीपी डिस दे रहे थे, उस एसपी को जिसकी कार को जलाया गया उस क्षेत्र के एक बदनाम होटल पर, आप स्थिति है कि वहां के सारे पुलिस वाले प्रशासन वाले सिर्फ शराब माफियाओं और माइनिंग माफियाओं से पैसे लूटने में लगे, किसी को यही पता नहीं कि हजारों आदमी इकट्ठे होकर इतना बड़ा आंदोलन होने वाला, ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही इस मामले में, प्रशासन की लापरवाही, कम्युनिकेशन गैप रहा, गलत बात के लिए गलत आंदोलन हुआ। बिल्कुल दीपेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही कही
गलत बात थी, गलत आंदोलन, इसमें कुछ कर नहीं सकती सरकार क्योंकि गलत फैसला नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में ये आंदोलन करना भी इनका व्यर्थ रहा। अब ये समझेंगे, अब कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये जो चाह रहे वो मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर एक तरफ ऐसा होगा तो और दूसरे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, एक ही भर्ती तो है नहीं, कल को दूसरे खड़े हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अगर नॉन टीएसपी में रूल्स के बिना जाके काम किया जाएगा तो नॉन टीएसपी वाले भी इसमें आएंगे। 2016 साइंस मैथ के 927 में 850 पद खाली पड़े हैं, उनकी वेटिंग और रिशफल आज तक जारी नहीं किया गया। तो जब वो वहाँ से प्रेरणा लेके यहाँ भी यही काम स्टार्ट हो जाएंगे तो सरकार को जो नियमानुसार जो काम है वो करने चाहिए। सर मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रसंज्ञान लेते हुए 3 गुना वेटिंग का आदेश जारी किया, फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन 2018 की जो भर्तियों की वेटिंग आपने का आदेश जारी किया उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यदि 2018 की एसएलपी आप वापस ले लें, 2016 के बहुत सारे मामले हैं, कहीं ना कहीं आपको एक संवाद के माध्यम से जो समस्या है उनको सुलझाना होगा, क्योंकि यदि विधि संगत कोई बात होती है तो वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे से बच जाती है। लेकिन विधि की कोई बात होगी तो वो गिरिराज गर्ग जी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही थी, इतने लोग इकट्ठा हो जाते, किसी को जानकारी नहीं मिलती, फिर पुलिस की जो फोर्स पहुंचती भी है वो भी बिल्कुल मुट्ठी भर लोग होते हैं, कंट्रोल करने की तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता कि वो इतनी हजारों की भीड़ को कर सके। लापरवाही तो सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या यही सुरक्षा व्यवस्था है, क्या यही हमारा पुलिस प्रशासन है जिसको हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, हर जगह मजबूत है, राजस्थान की अगर बात करें तो लापरवाही तो साफ नजर आई है, भले अब हम किसी पर भी सवाल उठा ले और किसी पर भी ठीकरा फोड़े। नहीं, निश्चित रूप से, हाँ, नहीं, लापरवाही प्रशासन की हुई है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, वो इस बात के लिए आकलन नहीं कर पाया कि इतनी लोग इकट्ठे होते रहे और वहाँ इस तरह की घटना होगी। आखिरकार प्रशासन की जिम्मेवारी थी सरकार को अवगत कराने की, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही रही है और प्रशासन के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए। और इस तरह से ये जो आंदोलन जो हुआ है, जैन साहब ने जो कहा, बिल्कुल ये आंदोलन गैर वो है, स्वीकार कोई नहीं करेगा, लेकिन उम्मीद अब सरकार से ही कि फैसला क्या लिया जाता है, कैसे शांत किया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, ये शिक्षक है, शिक्षक भर्ती के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि 25 से ज्यादा वाहनों को जला दिया, लूटपाट यहाँ पर की गई है, पुलिस को घायल किया गया, बहुत सारे पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। लेकिन अगर इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो कल को कोई दूसरे भी आकर खड़े होंगे और इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। सवाल यह है कि जब इस तरह के आंदोलन शुरू ही होते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, क्यों नहीं इनकी बात सुनी जाती ताकि ये स्थिति ना आए। दूसरी तरफ किसी को हक नहीं है, अगर इस तरह से आप हिंसक होंगे और इसके बाद कहेंगे कि आपको शिक्षक भर्ती में आपको नौकरी, सरकारी नौकरी मिले तो कैसे मिलेगी जब आपकी तो सब नजर ही नहीं आ रहा कि शिक्षक के कोई गुण भी है। सवाल कई है, लेकिन सबसे अहम ये कि लगातार अपील सरकार भी कर रही है, लगातार अपील फर्स्ट इंडिया भी कर रहा है कि इस तरह के हिंसक आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, आप शांत होइए, वक्त दीजिए, वार्ता होने दीजिए, जब चर्चा का दौर चलेगा बहुत सारी चीजें होंगी, लोग बैठेंगे साथ में, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, लेकिन हिंसा से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, शिक्षा बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।